हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आम की गुड़ वाली मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जानते हैं कि आम का सीजन है और कच्चे आम बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये बहुत हेल्दी है, तो इसको डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं क्योंकि ये गुड़ से बनाई हुई है और आप इसको साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगी बहुत आराम से इसको फ्रिज में। तो रेसिपी को देखिएगा, पूरा स्किप मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम ये कच्चे आम ले लिए हैं। इसको हम अच्छे से धो लेंगे, कच्चे आमों को बहुत अच्छे से दागी नहीं होने चाहिए, और फिर हम इनको अच्छे से धो करके फिर हम इनका ये मैंने धो लिए हैं यहाँ पर, अब इनको हम छील लेंगे पीलर की सहायता से। फ्रेंड्स, ये चटनी किसी भी पराठे वगैरह के साथ बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप उनको टिफिन में रोल बना करके भी लगा करके रख सकते हैं, जैसे बच्चे रोल पसंद करते हैं। अब हम इसको चटनी को ग्रेट कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इसमें हम अब ग्रेट कर लेंगे अच्छे से, फिर मैं इसका आपको वेट करके दिखाऊंगी कि कितना होता है, क्योंकि इसमें छिलके और अंदर का जो सीड है, बीज है, वो भी निकल जाता है, गुठली निकल जाती है। तो अब इसको वेट कर लेते हैं हम। ये देखिए कट कर लिया है, ये लगभग अब जो बचा है मेरे पास जितना ग्रेट करके निकला है, ये लगभग 512 ग्राम यानी कि 500 ग्राम के लगभग ये हमारा पील रेडी हुआ है ग्रेट करके। उसके बाद हमने कढ़ाई में एक चम्मच मतलब एक टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और ये पंचफोरन मसाला है जिसमें सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी और कलौंजी होती है। एक चम्मच इसमें डाला है, थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। और इसके साथ साथ इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। हींग से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है हींग बहुत, और पेट के लिए भी हमारे बहुत अच्छी होती है। और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, ऑप्शनल है ये, लेकिन मैंने डाला है। हल्का सा एक कलर, एक अरोमा आने देंगे इसमें ताकि मसाले के साथ अच्छे से भुन जाए। फिर हम इसमें ये ग्रेट करे हुए जो हमने पल्प रखा था मैंगो का, रॉ मैंगो का, वो इसमें डाल करके अच्छे से हम इसको बहुत अच्छे से हम इसको भूनेंगे ताकि थोड़ा सा इसका ये जो मसाले हैं इसमें जो हल्दी वगैरह है और हमारे जो तड़का एक लगाया है वो तो अच्छे से एक अरोमा आ जाए। फिर इसमें मैंने ये 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। गर्मियों में इस तरह से ये थोड़ा सा मेल्टेड, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले निकाल दिया था तो गर्मी में मेल्ट हो जाता है ताकि आराम से इसमें, तो बहुत जल्दी ये इसमें घुल जाएगा इस तरीके से। अब ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है, मिक्स करेंगे लगातार, थोड़ा चलाते रहेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे पानी वाला हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, ये चटनी आपको देखने में लाल लग रही होगी लेकिन इसका ये बहुत हेल्दी है। और अब इसमें सॉल्ट डाला है मैंने, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना जीरा का पाउडर अच्छे से डाला है इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो, अगर आपको गुड़ वाली नहीं पसंद तो आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो, और कभी कभी वो खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें मिश्री का यूज़ कर सकते हैं या देसी खांड जो आती है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा तीखा और मीठा बनाने के लिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को मीठी पसंद है तो मिर्च ना डालें। और 1 चम्मच मैंने ये सौंफ डाली है, कुटी हुई सौंफ, दरदरी सौंफ, बहुत अच्छा टेस्ट लाती है इसमें। बस अब देखिए, अब ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है जैसे चाशनी वाला, अब ये भूनते भूनते देखिए इस तरीके का हो गया है। और लगभग बस अब हम देखेंगे ना तो ये बिल्कुल रेडी है इस तरीके से। अभी थोड़ा सा 2 मिनट और, क्योंकि हम गैस हमारी, कढ़ाई हमारी गर्म है, तो ये और थोड़ी देर में देखिए थिक हो गया है ये। बस अब ये बिल्कुल रेडी है, उसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा और फिर इसको हम अपनी प्लेट में इसमें सर्व कर लेंगे, डिश में निकाल लेते हैं इसको। देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ा है, इसमें कोई भी पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और इसमें थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए, टेम्पटिंग दिखाने के लिए मैं धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये चटनी ज़रूर बनाइए और बच्चों को ज़रूर दीजिए क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। बच्चों को आप इसको ब्रेड पर लगाकर, परांठे पर, पूड़ी पर, किसी में भी रोल बनाकर भी टिफिन में दे सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।